पति पत्नी दोनों घूमने गए। जिस इलाके में गए वो सुनसान था, दूर दूर तक कोई नहीं था। वहीं कुछ इंसानी शक्ल वाले भेड़िए पार्टी कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जिनकी नजर पति पत्नी पर पड़ी। फिर उसके बाद जो हुआ वो रोंगटे खड़े कर देता है। रिपोर्ट देखिए। फिर चीरहरण, फिर चित्कार, फिर आंसुओं का सैलाब, सिसकियों का समंदर, हैवानों की बुरी नजर हुई वो शिकार। पति के सामने बीवी की इज्जत तार तार, नशे में चूर नरपिशाच, हैवानियत की हद पार। आठ दरिंदों का चक्रव्यूह, वहशीपन का बनाया वीडियो, जिस्म पर दरिंदगी की और कितनी गवाही। एक एक कर इन सबके चेहरे को देख लीजिए, जिनकी आंखों में वहशीपन है, इनकी रगों में हैवानियत दौड़ रही है। गांजे और शराब के नशे में धुत ये दरिंदे, सुनिए, इन्हें दिखते इंसानों की तरह हैं, लेकिन हैं हैवान। सुनसान इलाका, रीवा से करीब 55 किलोमीटर दूर गुड़ थाना इलाका, थाना भी यहां से करीब 15 किलोमीटर दूर होगा, यानी आप समझ सकते हैं कि यहां आसपास कोई नहीं था। पिकनिक स्पॉट और दार्शनिक स्थल है ये। गुड़ पहाड़ पर बना भैरव बाबा का मंदिर। तारीख थी 21 अक्टूबर। वो महिला अपने पति के साथ इस जगह घूमने आई थी, दोनों एक साथ वक्त बिता रहे थे, लेकिन तभी इन दरिंदों की वहशी नजर महिला पर पड़ी। इस वक्त हम मौजूद है घटना स्थल में। हम आपको बता दें, कहा जा रहा है कि दरिंदों घटना के पहले ये यहाँ इस पेड़ के नीचे बैठे थे और यहीं शराब की शीशियां पड़ी हुई है और शराब का उन्हें सेवन किया है और शराब पीने के बाद ये घटना का अंजाम दिया है। महिला के पति के साथ मारपीट की और उसके बाद जो हुआ वो दिल दहला देता है। फिर कुछ सुनाई नहीं दिया, सुनाई दी तो चीखे। दरिंदे महिला को नोचते रहे, खसोटते रहे, महिला के साथ गैंगरेप हुआ, वहशीपन का वीडियो भी बनाया। सुनिए उस आरोपी को जो कैमरा के सामने बता रहा है कैसे गांजे के नशे में सब चूर थे। ये हम लोग गुड़ के पास भैरव बाबा के मंदिर है, वहाँ गए थे घूमने, वहाँ नहा रहे थे, खाना पीना बनाए वो लोग खाए और उसके साथ ही मुझे जबरदस्ती गांजा और दारू पिला दी गई। मैं नशे में था। वीडियो भी बनाए थे? मैं भी उसकी वीडियो बनाया था गाड़ी की। वो बोली कि नहीं, रेप का भी वीडियो बनाए थे? नहीं, वो मेरे को नहीं पता है कि वो लोग बनाए थे कि नहीं बनाए थे। वीडियो के बाद डराया धमकाया गया कि किसी को कुछ बताया तो वीडियो वायरल कर देंगे। डरी सहमी महिला और उसका पति बदहवास से घर लौटे, लेकिन अगले ही दिन दरिंदों के बारे में पुलिस को बताया। लगातार टीम बना के इसमें पतारसी की गई है। FSL तकनीकी साक्ष्य और मुखबिरों को एक्टिवेट करके लगातार टीम काम कर रही थी और कुछ संदिग्धों को राउंड अप किया है हमारे कुछ मुखबिर और जन उनके मदद से और जिनसे पूछताछ की जा रही है और संभवतः आज हम घटना खुलासा करने में सफल होंगे। झकझोड़ देती है ये वारदात। आठ दरिंदे शामिल थे इस महापाप में, कोई पहली तस्वीर नहीं है। इंदौर की सड़क पर निर्वस्त्र घूमती हुई महिला जिसके साथ आरोपी सोनू हम्माल ने दरिंदगी की थी, भूले नहीं होंगे आप। आखिर जिस्म पर दरिंदगी की और कितनी गवाही। रीवा में विजय गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। वो हुस्न का शौकीन था, मोबाइल में कई लड़कियों के साथ अश्लील चैटिंग भी मिली, फिर इस हिस्ट्री शीटर की हत्या कर दी। पुलिस को शक हुआ कहीं इस चैटिंग का कनेक्शन मर्डर से तो नहीं, लेकिन कत्ल के पीछे निकली सुपारी की लिख खुलासा रोंगटे खड़े कर देगा।
वो हुस्न का शौकीन, मोबाइल पर लड़कियों से चैटिंग, लड़कियों से गंदी बात, फिर मिली उसकी लाश। किसने चलाई हिस्ट्री शीटर पर गोली? सुपारी किलिंग, उसे खत्म कर दो। उनतीस साल का इरफान खान, जिसके मोबाइल में ना जाने कितनी लड़कियों के नंबर थे, उसे लड़कियों से गंदी बातें करना पसंद था। मोबाइल में अश्लील चैटिंग के सबूत मिले हैं। इस डर्टी माइंड वाले इरफान की गोली मारकर कोई हत्या कर देता है। पिता हसन खान बेटे की हत्या से बौखला गया। उसे समझ ही नहीं आया आखिर बेटे की हत्या के पीछे किसका हाथ है। 22 अक्टूबर को ग्वालियर के पुरानी छावनी थाना इलाके में अकबरपुरी की पहाड़ी पर इरफान की लाश मिली थी। क्या इस कत्ल की मास्टरमाइंड कोई महिला है या फिर किसी लड़की का प्रेमी जिसे इरफान के साथ अपनी गर्लफ्रेंड का बातें करना पसंद नहीं था? पुरानी छावनी थाना क्षेत्र में अकबरपुर पहाड़िया पे हमें मृतक इरफान खान की लाश मिली थी। तो उसमें बेसिकली प्रथम दृष्टिया जब मौका देखा गया तो एक हत्या प्रतीत हो रही थी। इरफान हिस्ट्री शीटर था, नशे की लत थी उसे, हुस्न का शौकीन भी, लेकिन खुलासा इन सब से अलग है, होश उड़ाने वाला है। इरफान की सुपारी दी गई थी, सुपारी किलिंग का मास्टरमाइंड पुलिस के सामने था, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि कत्ल क्यों हुआ और किसने करवाया। अब सुनिए, मास्टरमाइंड ने खुद इरफान को शूटर अर्जुन खान के साथ भेजा था। मोबाइल की एनालिसिस की गई तो घटना समय पे उनने कुछ ऐसे कॉल्स किए थे जो संदिग्ध प्रतीत हुए, तो इन सब पे और कुछ मुखबिरी मिली तो इन कत्ल का फरमान सुनाया था इरफान के अब्बा हसन ने। बाप का फरमान, बेटे का काम तमाम, बेटे के कत्ल की सुपारी। गोली खा ले और एक बड़ा वकील है जिससे इसके पिता का विवाद हुआ था और उसने इसके पिता को थप्पड़ भी मार दिया था, तो बड़े वकील को 307 की रंजिश में फंसाना चाह रहे थे। हसन ने ही अपने बेटे इरफान के कत्ल की सुपारी दी। बेटे की हत्या करके वो एक तीर से दो निशाने लगाना चाहता था। पहला, उसके दुश्मन पर बेटे की हत्या का इल्जाम लग जाए, और दूसरा, बिगड़ेल औलाद इरफान से उसे छुटकारा मिल जाए। और इरफान नशे का आदि था और आए दिन चोरी चकारी करके सारा पैसा जुआ में हार जाता था और अपने पिता से मारपीट वगैरह भी करता था, तो इस प्रताड़ना के कारण परेशान होकर उसने अर्जुन को अपने लड़के की सुपारी दे दी। हसन ने बेटे की जाती से परेशान होकर अपने दोस्त अर्जुन खान के साथ 50,000 रुपए में बेटे के कत्ल की सुपारी दी। अर्जुन ने हत्या में अपने एक और दोस्त को शामिल किया, बहाने से इरफान को पहाड़ी पर ले गए और हुआ ठाए ठाए। ग्वालियर में सुशील कौशिक के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। आज एक प्रेमिका अपने प्रेमी की हैवानियत का राज खोलेगी। जिसके प्रेमी ने घर में घुसकर प्रेमिका के साथ वो किया जो थर्रा देगा। बार बार प्रेमी धमकी देता था, कहता था तुम्हें मेरी गुलाम बनना ही होगा, जो मैं कहूंगा तुमसे वही करूंगी। प्रेमिका का इनकार, मिली खौफनाक सजा। साइको लवर का फरमान, प्रेमिका बने उसकी हुक्म की गुलाम, लिव इन पार्टनर की हैवानियत, चाकू से दनादन वार मोहब्बत आर पार, सन की आशिक का खौफनाक इंतकाम, साइको लवर का बदलापुर। इश्क की वो दास्तां जिसका अंजाम इतना खौफनाक निकला, एक लवर जो अपनी ही लव स्टोरी का विलन बन गया, जो पहले आशिक था लेकिन उसने सनक में ऐसी हैवानियत की कि खुद लड़के की प्रेमिका उसके वशीपन की कहानी सुना रही है। 5 तारीख को मारा था उसने, तो उसकी कंप्लेंट डाली थी मैंने, तो उसने मुझे गन्नेवाड़ी में मारा था, उसकी कंप्लेंट चल रही थी, वो पकड़ाई में नहीं आया था पुलिस के, और पुलिस भी एक्शन नहीं ले रही थी, और फिर वो धमकी देता था तुझे मार डालूंगा। घर में घुसकर प्रेमी ने अपनी प्रेमिका पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए। इरादा कत्ल का था,
लेकिन प्रेमिका की किस्मत अच्छी थी कि उसकी जान बच गई। कौन था ये, कौन व्यक्ति है? बडोरा का था, राजकुमार जांगड़े। अच्छा, आप परिचित हैं इनसे? कौन है आपके साथ? हाँ, एक साल था वो रिलेशनशिप में था। हाँ। उसके साथ कोई शादी-वादी कुछ नहीं हुई। हाँ। उसके साथ नहीं रहने लगी मैं तो मुझे जबरदस्ती करके वो। प्रेमी अपनी ही मोहब्बत का दुश्मन क्यों बना? क्यों प्रेमिका की जान लेने पर आमाद हो गया? लड़की और उसका प्रेमी दोनों रिलेशनशिप में थे, दोनों एक महीने से लिव इन पार्टनर थे, बैतूल के बडोरा इलाके में रहते थे, लेकिन लड़के की हरकतों से तंग आकर लड़की अपने घर चली गई। इधर आए दिन प्रेमी अपनी प्रेमिका को परेशान करने लगा। प्रेमिका लड़के से सारे रिलेशन तोड़कर चली गई। बस यही बात प्रेमी को तिलमिला गई। बार बार प्रेमी धमकी देता था वो प्रेमिका को मार डालेगा। आज मैं घर पे थी, मेरे मायके में थी घर पे, तो मैं खाना खा रही थी, वो एकदम से आया और उसने मेरे पे हमला करा चाकू से उसने मुझे मारने की कोशिश की। एक दिन अकेला पाकर लड़की को घर में घुसकर हमला किया और भाग गया। वो तो गनीमत रही कि लड़की की माँ घर पहुँच गई और उसे फौरन अस्पताल ले गई। प्रेमिका की बात नहीं करने, नजरअंदाज करने की ऐसी खौफनाक सजा दी। सिरफिरे का बदलापुर दिल दहला देने वाला है। बैतूल में ऋषु नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। दोनों मासूम बच्चियां, एक की उम्र थी 2 साल और दूसरे की करीब 4 साल। दोनों बच्चियां जिद करती हैं आज पापा के साथ घूमने जाएंगे। पापा के साथ दोनों घूमने गए, फिर छोटी बच्ची की लाश मिली। हथौड़ा मारकर उसकी हत्या की गई थी। बड़ी बच्ची पर भी जानलेवा हमला किया गया। आखिर कातिल कौन है जिसकी तलाश जंगल में चल रही थी? पापा हम भी घूमने चलेंगे, हथौड़ी मार हत्यारा, रिश्ते का कातिल, मासूम बेटी को मार डाला, बड़ी बेटी पर भी किया हमला, जंगल में कातिल की तलाश, बेटी है वो, कलंक नहीं। पापा की गोद में उसे लगता था सारी दुनिया ही है। पापा का चेहरा देखकर दोनों बच्चियों का चेहरा खिल जाता। माँ से भी ज्यादा पापा को प्यार करती है। वैसे भी कहते हैं ना, बेटियां पापा की लाडली होती हैं। लेकिन जब दिल में शक बैठ जाए और दिमाग पर नफरत हावी हो जाए तो रिश्ते बेईमान हो जाते हैं। ऐसा ही हुआ हरदा में, हरदा के हांडिया थाना इलाके में। जिस बच्ची को स्ट्रेचर पे ले जाया जा रहा है वो उस वारदात की गवाह है कि पूछिए, जिस बच्ची की आंखों के सामने उसकी 2 साल की मासूम छोटी बहन की बेरहमी से हत्या कर दी गई। हथौड़ी मार के बच्ची को मार डाला गया, क्योंकि बड़ी बहन चश्मदीद थी इसीलिए उसे भी नहीं बख्शा, उस पर भी हथौड़े से वार किया, लेकिन बड़ी बहन की जान बच गई। सर्चिंग अभियान जंगल में चलाया था जिसपे आरोप लग रहा था कि उसने बच्चियों को मारा है, तो उसकी तलाश की गई थी, जिसमें एक पेड़ पे उसकी लाश टंगी हुई फांसी पे मिली थी, उसकी तलाशी ली गई थी, तो उसमें उसका सुसाइडल नोट्स भी मिला था। उसने जो है एक सुनील नाम के व्यक्ति पर आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी से उसके अवैध संबंध है। छोटी बच्ची की हत्या किसने की? जब लोगों के सामने कातिल का चेहरा आया तो सब हैरान थे। हत्यारा पिता प्रदीप निकला, जिसने छोटी बेटी की हत्या की और बड़ी बेटी पर हमला करके फरार हो गया। घर से अस्पताल जाने के लिए आरोपी निकला था, तब बच्चियां पिता के पीछे पड़ गईं कि हम भी आपके साथ चलेंगे, लेकिन बच्चियों को कहां पता था कि पिता के दिल में इंतकाम था। वो बच्ची जो है जिसको मारा है वो उसी की है, इसीलिए जो है वो ये घटना किया है और आत्महत्या कर रहा है। आरोपी पिता की तलाश जारी थी, जंगल में हत्यारे को ढूंढा गया, तब जाकर आरोपी का पता चला, लेकिन पिता की लाश मिली। भवर तालाब गांव का रहने वाला प्रदीप ने सुसाइड कर लिया था। आखिर एक पिता ने ऐसा खौफनाक कदम क्यों उठाया जिसका जिक्र उसने सुसाइड नोट पर किया है? लाश के पास से सुसाइड नोट मिला। शक में प्रदीप ने बेटी की हत्या की थी, जिसे शक था छोटी बेटी उसकी औलाद नहीं।
उसे शक था कि पत्नी का अफेयर किसी और से चल रहा है। छोटी बेटी नाजायज औलाद है। रिश्तों की सिसकने की ये दास्तां सबको हैरान कर गई। हरदा में प्रवीण तंवर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। यूपी की असली पुलिस राजस्थान में नकली एसओजी बन गई। दो सिपाहियों ने पूरा गैंग ही बना दिया, लेकिन पकड़े गए और खुलासा हुआ तो राजस्थान से लेकर यूपी तक हड़कंप मच गया। पकड़े गए सिपाहियों के तार पश्चिमी यूपी के कुख्यात अनिल दुजाना गैंग से जुड़े और एक सिपाही ही राजस्थान में गैंग को ऑपरेट कर रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। यूपी में पुलिस वाले और राजस्थान में लुटेरे, आप सुनकर चौंक गए होंगे, लेकिन मेरठ के दो सिपाहियों ने खाकी को बदनाम कर दिया। बड़े गैंग से कनेक्शन और लूट की साजिश इनका पेशा बन गया। लेकिन कहते हैं ना कि कानून के हाथ लंबे होते हैं, तो भला ये कैसे बच पाते। देर से ही सही, लेकिन दबोच लिए गए और इनके साथियों को भी राजस्थान की असली पुलिस ने पकड़ लिया। राजस्थान में दोनों सिपाही नकली पुलिस के एसओजी बनाकर लूटपाट किया करते थे। राजस्थान के झुंझुनू जिले की बिसाऊ थाना पुलिस ने गैंग के 8 लोगों को पकड़ा है, जिसमें यूपी के मेरठ जिले में तैनात सिपाही रिंकू सिंह और अमित कुमार भी शामिल हैं। रिंकू सिंह मेरठ के लोहिया नगर थाने में तैनात है, जबकि अमित कुमार की तैनाती भवनपुर में है। फिलहाल राजस्थान में गिरफ्तारी के बाद दोनों को सस्पेंड कर दिया गया है। राजस्थान में लूट गैंग चलाने वाले आखिरकार मेरठ के ही दो सिपाही निकले। रिंकू और अमित नाम के सिपाही इस गिरोह के मास्टरमाइंड है, जो राजस्थान की सड़कों पर लूट गैंग चला रहे थे। इस बार उन्होंने एक बस को हाईजैक किया और यात्रियों को हथियारों के बल पर लूटना शुरू कर दिया। लेकिन झुंझुनू के बिसाऊ पुलिस ने इन समेत 6 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिन्हें अब जेल भेज दिया गया है। वहीं मैं आपको बता दूं कि अमित भावनपुर थाना क्षेत्र में तैनात था और रिंकू मेरठ की रिजर्व पुलिस लाइन में था। दोनों सिपाहियों ने राजस्थान में खुद की नकली एसओजी टीम बनाई थी। एक बस को हाईजैक कर बुलंदशहर के 4 लोगों को किडनैप करने की साजिश की थी, लेकिन राजस्थान पुलिस ने किडनैपिंग के बाद भाग रहे गैंग को पकड़ लिया। खास बात यह है कि इस गैंग का सरगना रिंकू सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुख्यात बदमाश अनिल दुजाना का सगा भांजा है। अनिल दुजाना 1,00,000 का इनामी था, जिसे साल 2023 में एसटीएफ की टीम ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। राजस्थान में बुधवार की दोपहर को चुरू से झुंझुनू जा रही रोडवेज बस को हाईजैक किया, लेकिन भागते समय बदमाश पकड़े गए। पुलिस अधिकारियों की माने तो रिंकू और अमित ही इस गैंग के सरगना थे और गैंग के अन्य सदस्यों को ट्रेनिंग दी थी। अब मेरठ पुलिस भी राजस्थान में हुए खुलासे से कड़ी कार्रवाई का दावा कर रही है। हेड कांस्टेबल अमित कुमार और कांस्टेबल रिंकू, जो यहाँ जनपद मेरठ से अनुपस्थित चल रहे थे, और संज्ञान में आया, सूचना प्राप्त हुई कि जनपद झुंझुनू राजस्थान में थाना है बसाऊ, वहाँ पे इनके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने का मुकदमा दर्ज हुआ है। प्रकरण के संज्ञान में आते ही एसएसपी साहब के द्वारा तत्काल प्रभाव से इन्हें निलंबित कर दिया गया है और प्रकरण में जांच संस्थित कर दी गई है। राजस्थान पुलिस ने जिन लोगों को पकड़ा है, उनमें दुजाना बादलपुर नोएडा का रहने वाला सिपाही रिंकू सिंह, सहारनपुर का अमित कुमार, दिल्ली गाजियाबाद हापुड़ और मेरठ के आरोपी शामिल है। बहरहाल इस खुलासे के बाद न सिर्फ पुलिस की किरकिरी हो रही है, बल्कि सवाल उठ रहे हैं कि क्या अनिल दुजाना गैंग ने यूपी से बाहर अपना नया ठिकाना तलाश लिया। माना जा रहा है कि रिंकू अनिल दुजाना का भांजा है, जो 1,00,000 का इनामी रहा है और उस पर 65 से ज्यादा मुकदमे दर्ज थे। एसटीएफ ने 2023 में अनिल दुजाना को मार गिराया। रिंकू और अमित पिछले काफी समय से इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे रहे थे, ऐसी खबरें आ रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश पुलिस अब इन दोनों सिपाहियों को बर्खास्त करने की तैयारी में। कैमरामैन शिव सुदन के साथ न्यूज 18 के लिए निखिल अग्रवाल, मेरठ। अमरोहा में बदमाशों ने निजी स्कूल की एक वैन पर फायरिंग कर दी। बाइक सवार 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद बच्चों में चीख पुकार मच गई। किसी तरह ड्राइवर स्कूल वैन को भगाकर स्कूल पहुंचा। किसने और क्यों की बच्चों से भरी स्कूल वैन पर फायरिंग, ये रिपोर्ट देखिए। बच्चे काफी डर गए थे, सब रोने लगे थे। ये तस्वीरें अमरोहा जिले के गजरौला इलाके की है, जहां एक निजी स्कूल के वैन पर सुबह सुबह 4 बदमाशों ने फायरिंग कर दी।
इस दौरान वैन में कक्षा 4 तक के बच्चे सवार थे। गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे सहम गए और रोने भी लगने लगे। बच्चे जोर जोर से चिल्लाने लगे, ड्राइवर अंकल बचा लो, हम लोगों को बचा लो। फायरिंग और पथराव देखकर पहले तो ड्राइवर डर गया, लेकिन हिम्मत से काम लेते हुए गाड़ी को फायरिंग और पथराव के बीच स्कूल तक पहुंचा दिया और बच्चों की जान बचा ली। क्या को बच्चों को कोई चोट उठाई? बच्चों को चोट नहीं आया, तो बच्चों को गाड़ी से बदला लाया मैं, ताकि जैसे बच्चे हम सेफ हो। तो लगभग गाड़ी के पीछे कितने पीछे बदमाश जो था जो भाग रहे थे? आगे फ्रंट से भागे लगभग 500 मीटर, फिर पीछे से भागे 1 किलोमीटर समथिंग। जब गाड़ी बैक होती रही तो 500 मीटर आगे से और फिर 1 किलोमीटर पीछे से भागे। क्या तो उसमें कोई शोर मचाया क्योंकि आसपास अंदर बच्चे ताकि काफी डर गए थे, सब रोने लगे थे। तो फिर मैं इधर शहर पड़ता है कस्बा खातूर, उसमें लाके गाड़ी अंदर खड़ी कर ली। ड्राइवर मोंटी ने बताया कि एक युवक बाइक पर बैठा हुआ था, जबकि 3 बदमाश पुलिया के पास पत्थर इकट्ठा कर रहे थे। जब उसने पत्थर हटाकर रास्ता खाली करने के लिए कहा तो बदमाशों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और बाइक पर बैठे युवक ने तमंचा निकाल लिया। बाकी बदमाशों ने पत्थर उठा लिया। जब तक वो कुछ समझ पाता, युवकों ने उसकी वैन पर पत्थर फेंकना शुरू कर दिया। चूंकि पुलिया पर पत्थर रखा हुआ था तो आगे जाने का रास्ता नहीं था, ऐसे में ड्राइवर ने बैक गियर में गाड़ी को पीछे भगाया। मैं नंगले से बच्चे बैठा के आ रहा था स्कूल को, लगभग 7:40 पे स्कूल नंगले से स्कूल को, तो नंगले से रास्ता आता है खादुगर को, उधर फिर 3 बंदे खड़े हुए मिले, उन्होंने मुझको हाथ दिया, मैंने गाड़ी रोक ली। कोई बंदे किसी से थे? कौन थे वो? वो स्प्लेंडर बाइक पर थे। उनके हाथों में कोई हथियार? फिलहाल कुछ नहीं था, एक बंदा बाइक पर था, 2 बाइक से निकल के आए, दोनों ने आते, एक के हाथ में दरोड़े थे और एक के हाथ में जो है फिर उन्होंने से फिर तमंचा निकाला। फिर उसने काफी हमले पर शीशा करा, शीशे पे हमला करा और फिर उसने तमंचा निकाला, फिर मैंने गाड़ी अपनी बैक गियर में भगा ली। वैन पर फायरिंग में चली गोलियों के निशान भी हैं। बताया जा रहा है कि बदमाशों ने 2 राउंड फायरिंग की थी। गोलियों की आवाज सुनकर बच्चे डर गए और रोने लगे। उसने किसी तरह गाड़ी को लोगों के बीच से दौड़ाकर स्कूल तक पहुंचाया। युवकों ने आधे रास्ते तक उसका पीछा भी किया, लेकिन वो बचकर निकलने में कामयाब रहा। मामले की जांच में बात सामने आई है कि कुछ दिन पहले ड्राइवर का आरोपियों के साथ विवाद हुआ था। रास्ते में स्कूल वैन की स्कूटी से टकरा गई थी। आशंका है कि वही आरोपी है, फिलहाल इन्हें हिरासत में ले लिया गया है। स्कूल बस के ड्राइवर ने यह सूचना दी कि स्कूल जाते समय 2-3 व्यक्तियों ने बस को रुकवाकर ड्राइवर को निशाना बनाते हुए उसकी खिड़की के नीचे की तरफ फायर किया। सूचना पर मौके पे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया है। ड्राइवर के द्वारा अवगत कराया गया कि आज से 4 दिन पूर्व एक स्कूटी की बस से टक्कर लगने को लेकर संबंधित व्यक्ति से ड्राइवर का विवाद हुआ था और इसी व्यक्ति ने अपने 2 साथियों के साथ में आज यहाँ पर ये घटना कारित की थी। ड्राइवर से तहरीर प्राप्त करके अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है तथा आरोपी को हिरासत में ले लिया गया है। गनीमत है कि स्कूल वैन पर हमले में कोई बच्चा घायल नहीं हुआ, सभी के सभी बच्चे सुरक्षित हैं। लेकिन इस घटना ने बड़ा सवाल खड़ा कर दिया, आखिर कोई इतनी कायराना हरकत कैसे कर सकता है कि वो बच्चों से भरे स्कूल वैन पर फायरिंग कर दे। माना जा रहा था कि चालक को निशाना बनाना चाहते थे जो बदमाश थे, और पुलिस की वो सूचना बता रही, पुलिस की प्राथमिक जांच निकल कर आया है। जो फिलहाल पुलिस बता रही है कि उनका 4 दिन पूर्व बस चालक से विवाद हो गया था, इसी को लेकर उस ड्राइवर को धमकाने के लिए ये दहशत फैलाई जा सके उस पर यह गाड़ी पर हमला किया गया था। फिलहाल पुलिस मामले में गिरफ्तारी की एक युवक को गिरफ्तार कर लिया है और अन्य गिरफ्तारी करने में जुटी है। शिवम शर्मा, न्यूज 18, अमरोहा। और क्रिमिनल्स में बस इतना ही, आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।